एक हम डिग्री देख रहे थे, जो एडजेक्टिव यानी विशेषण की अवस्थाएं होती है, तीन प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तीन अवस्थाएं हैं डिग्री की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है ना। इनको अपने को याद रखना आवश्यक होता है डिग्री को, कि कैसे तीनों आती है। जैसे हम कहते हैं बिग मने बड़ा, बिग मने क्या होता है, बड़ा, पॉजिटिव डिग्री है। जब हम तुलना करेंगे दो की तो वो बिगर में आ जाएगा, BIGGER, बिगर। और जब सुपरलेटिव सबसे बेस्ट कहें, सबसे बड़ा, तो उसमें कहते हैं हम बिगेस्ट, यानी बिग बिगर और क्या आ गया, बिगेस्ट आ गया, बिग बिगर बिगेस्ट। बिग माने बड़ा होता है, वैसे ही फैट, FAT, फैट, फैट माने क्या हो जाएगा, मोटा, FAT, फैट, फैट माने क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो अगर इसकी कंपेरेटिव लानी हो तो क्या हो जाएगी, टी को डबल टी में बदल दो, या लगा दो फैटर, और फैटेस्ट हो जाएगा। EST लगा रहे हैं, जिस कॉन्सोनेंट दिया हुआ है उसको डबल करना है अपने को, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे थिन है, थिन माने पतला, THIN, थिन, थिन माने क्या हो गया, पतला। कंपेरेटिव करनी है तो THINNER, थिनर हो जाएगा, THINNER, थिनेस्ट हो जाएगा, THINNEST। कठिन नहीं है, याद रखनी है, बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, थिन थिनर और थिनेस्ट, ठीक है ना। जैसे सैड है, SAD, सैड मैंने क्या होता है, उदास। इसका कंपेरेटिव लेना हो तो शेडर हो जाएगा, और सुपरलेटिव लेना हो शेडेस्ट हो जाएगा। कोई कठिन वाली बात इसमें नहीं है, केवल एक याद रखने की चीज़ है, ये याद करने की आवश्यकता है इन चीज़ों को, कि कौन सी डिग्री का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे हॉट है, HOT, हॉट, हॉट माने क्या होता है, गर्म, हॉटर हो जाएगा, डबल टी कर देंगे और हॉटेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें बिग, जैसे बिग है, फैट है, थिन है, सैड है, हॉट है, ये कौन सी डिग्री में आता है, पॉजिटिव। इसको सामान्य अवस्था में हम एडजेक्टिव बोलते हैं, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, पतला है, ये सब क्या कहलाती है, विशेषण कहलाता है, विशेषण यानी एडजेक्टिव, क्या कहलाता है ये, एडजेक्टिव। उसके बाद इसकी अवस्थाएँ होती है, जैसे दो की तुलना करें तो कंपेरेटिव, तो बिग का बिगर हो गया, इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, बिगर करते समय डबल जी कर देना है, और बिगेस्ट हो गया, फैट का फैटर हो गया, डबल टी हो गया, देखो ER लगा देंगे, EST डबल टी लगा कर लगाएंगे, फैटेस्ट हो गया, थिन का थिनर हो गया और थिनेस्ट हो गया, इसमें भी डबल N लग रहा है, देखो एक N बढ़ रहा है इसमें, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा देंगे। सैड मैंने उदास हो गया, सैडर और सेडेस्ट हो गया, लगा रहे ER EST है साथ में, लेकिन जो कॉन्सोनेंट दिया है उसको डबल कर देना है। हॉट है जैसे गर्म, तो इसमें टी बढ़ गया, इसमें टी बढ़ गया, हॉटेस्ट हो गया, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट हो गया। ये डिग्री है जो अपने को याद करनी आवश्यक है, कि हम कैसे डिग्री को हम याद करके उनको लिख सकते हैं।